नारी सम्मान योजना का हुआ शुभारंभ। वार्ड क्रमांक 18 में पहुंचे कांग्रेस नेता, कैंप लगाकर जमा कर रहे हैं फॉर्म। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर महिलाओं के सम्मान के लिए नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत नगर के वार्ड क्रमांक 18 में कांग्रेसी जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता जाकर महिलाओं के फॉर्म जमा किए। वही शासन द्वारा गरीबों को किस तरह महंगाई बढ़ाकर लूटा जा रहा है, इस बात की जानकारी आयोजन के अंतर्गत दी। वार्ड क्रमांक 2 में गुरुद्वारे के सामने लगे कैंप में कांग्रेस नेताओं के साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष नैना चौधरी ने महिलाओं को कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी। वही नेताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपये महीना एवं 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक विद्यार्थी ने बताया कि नारी सम्मान योजना के शिविर नगर के 15 वार्डों में लगातार संचालित कर वहां की महिलाओं को योजनाओं के फॉर्म जमा करवाए जाएंगे। रविवार को वार्ड क्रमांक 4, 5 एवं 7 में कैंप लगेगा, जिसमें स्थानीय महिलाओं के साथ जनप्रतिनिधि एवं पार्षद पूर्व पार्षद शामिल होंगे। हम लोगों ने पिछली बार सरकार बनाई थी, उसमें किसानों से वादा किया था कि आज रहेगा 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। 15 महीने की सरकार में हमने किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया। डिजाइना न्यूज निमाड़ सनावत। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजाइना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।